मंडावली थाना क्षेत्र के वेस्ट विनोद नगर के मर्डर डेयरी के पास गडर में मिली एक युवक की लाश, पुलिस ने मामला दर्ज किया। पूर्वी दिल्ली के थाना मंडावली क्षेत्र के वेस्ट विनोद नगर में रविवार की देर रात एक युवक जिसका नाम सनी था, उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मर्डर डेयरी के पास गडर में उसकी लाश मिली। वहीं मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि एक युवक जिसका नाम साहिल मलिक उर्फ टुंडई है, वो मृतक का दोस्त था। उसने फोन करके उसको बुलाया और कुछ देर के बाद उसने ही परिजनों को फोन करके बताया कि मर्डर डेयरी के पास गटर के अंदर सनी की लाश पड़ी है। जिसके बाद मृतक के परिवार वाले आते हैं, लाश को निकालते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां डॉक्टर भी उसे मृत ही घोषित कर देते हैं। वहीं मंडावली थाने को उसकी सूचना मिलती है और मामला दर्ज किया जाता है। वहीं मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि जिस साहिल मलिक ने फोन करके बुलाया था, उसी ने ही उसकी हत्या की है। बहरहाल साहिल मलिक अभी भी फरार है, पुलिस उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं सूत्रों की माने तो इसमें दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इस मामले पर हमने सोमवार की दोपहर मृतक के परिवार वालों से बात की तो उनका क्या कहना था, सुने आप। जहां तक जानकारी यही मिली है कि मतलब रात को सूचना मिली कि इनका मतलब नाले के पास में लड़का मरा मिला है, और जैसे बता रहे हैं वैसे ही मतलब अंदाजा क्या लगाया जा सकता है। हाँ, जैसा भी है बेसमेंट के अंदर था। तो शव मिलने के बाद इनका शक किसके ऊपर जाता है आप लोगों का? अब शक जिन्होंने बुलाया तो शक तो उसी पे जाएगा ना इनका। क्या वो पुलिस की गिरफ्त में आया अभी? नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नहीं,